मस्जिद के इमाम को 10 महीने बाद मिली जमानत। यूएपीए की चार्जशीट में आरोप, बेटी के इलाज के लिए एक शख्स को 500 रुपए दिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी मस्जिद के इमाम जावेद अहमद लोन को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। 15 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किए गए जावेद अहमद लोन को जमानत देते हुए अदालत ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि किसी व्यक्ति को घर बनाने में मदद करना या किसी व्यक्ति को उसकी बेटी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना अपराध नहीं माना जा सकता है। लोन गांदरबल की एक मस्जिद में इमाम थे। एनआईए ने आरोप लगाया था कि लोन प्रतिबंधित मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी कश्मीर का सदस्य था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उन्होंने लोन के कब्जे से जमाते इस्लामी कश्मीर के सदस्यों की एक सूची बरामद की, जिन्होंने उनसे कथित तौर पर 15 लाख रुपए लिए थे। एनआईए ने आरोप लगाया कि लोन ने एक शख्स को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का वादा किया और दूसरे शख्स को अपनी बेटी के बीमारी के इलाज के लिए 500 रुपए दिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को घर बनाने में मदद करना या किसी गरीब व्यक्ति को बीमार बेटी के इलाज के लिए सक्षम बनाने के लिए मदद करना किसी भी तरह से जुर्म करने के योग्य नहीं माना जा सकता है। जैसा कि हो सकता है, ये अदालत तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए पाती है कि ये एक उपयुक्त मामला है जहां A1 को जमानत दी जानी चाहिए। जावेद अहमद लोन को 3,01,000 रुपए के निजी मुचलके पर उतनी ही राशि की एक जमानत राशि के साथ देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी जा रही है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। मोहम्मद एजाज आलम नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बलात्कारी हत्यारा हुनूद खुलेआम घूम रहा है, बेगुनाह को जेल में डाला जाता है, 10 महीने का हिसाब कौन देगा। अनमोल उपाध्याय नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, ये हो क्या रहा है और यूएपीए लगाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। इम्तियाज मलिक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, यही तो कानून की खूबसूरती है मुसलमानों के लिए। मोहम्मद अमान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मदद करना भी गुनाह है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंच।